ज्यादा नुकसान हुआ है। लपटों को काबू में करने की कोशिश लगातार की जाती रही। फायर ब्रिगेड की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पा लिया जाए। बता दें आपको कि अब तक आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है, लेकिन आशंका इस बात की है कि ये शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी होगी। अब मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। तस्वीरें आपको बताएंगी कि आग कितनी भयानक। ये देखिए, ये उस फैक्ट्री की आग जिसमें आप देखें कि ये खिड़की से कितनी तेज लपटें जो है वो बाहर आ रही हैं। अंदाजा लगाइए अंदर आग कितनी तेज धधक रही होगी। अब ये वाइड एंगल शॉट आपके सामने होगा तो आप देखेंगे कि कितने बड़े दायरे को ये अपनी चपेट में ले चुकी है। ये देखिए आसमान में उठता हुआ धुआं जिसमें आप देख रहे होंगे कि आग कैसे विकराल होती जा रही। और ये तस्वीरें जिसमें आप देखिए कि अलग अलग ब्लॉक से, इस इमारत के अलग अलग ब्लॉक से आग निकल रही, तो ये बता रहा है आपको कि कितनी भयावह है ये आग, जिसके चलते काफी ज्यादा नुकसान की आशंका जाहिर की जा रही है। ये देखिए, और बताया जा रहा है कि इस फैक्ट्री के अंदर कई ऐसी चीजें थी जिससे आग और तेज हो सकती है, और यही वजह है कि जिस वक्त ये आग पकड़ी उसके बाद इसे कंट्रोल में करना इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है। फायर ब्रिगेड की एक नहीं बल्कि कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं जो कि इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। अब ये तीन तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। पहली तस्वीर आप देखिए, जो वहां पर एक छोटा सा जंगला जो बना हुआ है, जो खिड़की बनी हुई है, वहां से कैसे आग की तेज लपटें बाहर आ रही है, पूरा गोदाम कैसे आग की चपेट में। अगली दो तस्वीरें बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी है और अभी इस पर काबू नहीं पाया जा सका है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, सब कुछ जलकर स्वाहा हो चुका है, लेकिन अभी दुआएं इस बात को लेकर की जा रही है कि इसमें किसी तरह की कोई जनहानि ना हुई हो। चूंकि फैक्ट्री है, यहां पर जाहिर बात है कि अंदर लोग काम कर रहे होंगे। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या वक्त रहते सभी लोग बाहर आ गए और कितना नुकसान हुआ है, अभी इसको लेकर भी आकलन किया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है, अंदर से जो जानकारी सामने आ रही है, जो लोग बता रहे हैं कि कुछ भी बच पाना यहां पर नामुमकिन नजर आता है। आगे बढ़ते हैं, बात ग्रेटर नोएडा की करते हैं, जहां ग्रेटर नोएडा में ट्रैफिक नियमों की धज्जियां।